संजय जी स्वागत है, दिवाली ग्रीटिंग्स आपको। और सबसे पहले रिजल्ट्स के ऊपर ओपनिंग कमेंट्री क्या रहेगी आपकी? दिवाली की मुबारकबाद आप सभी को और व्यूअर्स को भी। पिछले साल के इस क्वार्टर में हमारा टर्नओवर 2000 करोड़ था, जो कि अभी बढ़ के 3908 करोड़ हो गया, और एबिट्टा 530 करोड़ से 528 करोड़ हमने लगभग मेंटेन किया, और पैट 401 करोड़ था, जो 416 करोड़ इस क्वार्टर में आया है इस साल। जो मार्जिन की आप बात कर रहे हैं, तो 7.96 रुपए पर SCM था लास्ट ईयर इस क्वार्टर में, जो अभी 7.09 रुपए है। और इसका रीजन ये था कि हम लोगों ने जो हमें गैस मिली कुछ फोर्टनाइट में, उसका दाम ज्यादा था, वो कोई एक दूसरा मैकेनिज्म था, लेकिन अभी कोई और मैकेनिज्म के अंदर हमें गैस सप्लाई हो रही है, जो गैस हम CNG और PNG में यूज करते हैं उसके लिए। ओके सर, और वॉल्यूम्स में अगर देखने जाए तो बढ़ोतरी हुई है, तो आगे आने वाले क्वार्टर्स की अगर बात करें तो क्या अनुमान बन रहा है आपको वॉल्यूम्स को लेकर? Q2 में हमने 8.09 MMSCMD का वॉल्यूम किया है, जो पिछले साल के Q2 में 7.24 MMSCMD था, और जो सिक्वेंशली 7.89 MMSCMD था Q1 में इस साल। तो 7.89 से क्वार्टर जो सिक्वेंशली हम 8.09 में गए हैं, ये हमारे जो जो मार्केट ग्रोथ का हमारा प्लानिंग है उसके हिसाब से ही है। और हम लोग हमारी ये प्लानिंग है कि अगले 2 साल में हम 10 मिलियन की वॉल्यूम टोटल सेल करें। जी, और सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन प्राइस इंक्रीज को लेकर रहेगा, तो कंपनी ने क्या प्राइस इंक्रीज किए हैं या फिर कितना अनुमान बन रहा है, कितना किया है प्राइस हाइक? IGL हर समय दाम बढ़ाने के पहले कई बार सोचता है, मतलब सभी कंपनियां सोचती हैं, बट हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि दाम बहुत ज्यादा ना करें, क्योंकि हमें पेट्रोल और डीजल का एक एक बैरियर है हमारे लिए, प्राइस बैरियर है, जिसको कि हम कभी भी तोड़ना नहीं चाहते हैं। जो कन्वर्जन रेट है हमारे व्हीकल्स का, जो नए व्हीकल्स खरीदते हैं या पुराने व्हीकल्स को कन्वर्ट करते हैं, वो 18,000 था 2-3 क्वार्टर पहले, और इस वक्त वो घट के लगभग 14,000 रह गया है। इसलिए हम बहुत ज्यादा ईगर नहीं रहते हैं प्राइस राइज लेने के लिए। अगर हम सरवाइव कर सके, ये शॉर्ट टर्म फिनोमिनन होती है इतनी हाई प्राइसेस, तो भी उसको हम सरवाइव करना चाहते हैं, जिससे कि हमारा मार्केट इंटैक्ट रहे। ओके, और साथ में सर PNG सप्लाई को लेकर अगर बात करें तो कोई नए सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं कि या आगे सप्लाई को लेकर क्या टारगेट्स रहेंगे आपके? PNG सप्लाई के लिए हमारा जो सबसे नया प्रोजेक्ट है, वो अब बांदा, चित्रकूट और महोबा में शुरू होने वाला है, जो नया GA हमें अप्रैल 2022 में मिला था, ऑथराइज हुआ था, तो वहां पर हम अब PNG सप्लाई के प्रोजेक्ट्स चालू करने वाले हैं। अगले 6 महीने में हम लोग ये चालू कर देंगे, और जो पुराने जो पहले इसके पहले के ज्योग्राफिकल एरियाज थे, जैसे फतेहपुर, मुजफ्फरनगर, अजमेर, इन सब जगहों पे PNG की सप्लाई ऑलरेडी चालू हो चुकी है। ओके, एंड सर लास्टली गाइडेंस के बारे में पूछना चाहूंगी फॉर कमिंग क्वार्टर्स, अगर आप दे सके तो गाइडेंस क्या रहेगा कंपनी का? अभी एक्चुअली जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं, उसके कारण जो जो कॉस्ट प्रेशर्स हैं वो कंटिन्यू हो रही है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं किरित पारिक कमिटी जो है उनकी रिपोर्ट सबमिट हो जाए और अप्रूव हो जाए गवर्नमेंट से, तो उसके बाद हमारा ग्रोथ का जो है 10-15% ग्रोथ, अगर वो रिपोर्ट सही आती है तो मेंटेन रहेगी। अगर इस तरीके के दाम मेंटेन रहे, जैसे अभी $8.5-9 पर MMBTU की प्राइसिंग चल रही है APM नॉन APM गैस की, तो ग्रोथ पे चैलेंजेस आ सकते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ।